हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 3 जुलाई के दिन बुधवार से गुप्त नवरात्र का प्रारंभ हो गया। यह 3 जुलाई से 10 जुलाई तक चलेगा। इस नवरात्र में मां दुर्गा के गुप्त स्वरूप की आराधना की जाती है। इस नवरात्र में तंत्र साधना की जाती है। इसमें मां काली की पूजा होती है। तंत्र साधक इन 9 दिनों में 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक वर्ष भर में 4 नवरात्र आते हैं, जिनमें एक चैत्र नवरात्र और दूसरा शारदीय नवरात्र होती है। 2 गुप्त नवरात्र होते हैं जो मात और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में आते हैं। इस नवरात्र में भी चैत्र और शारदीय नवरात्र की तरह घट या कलश स्थापना किया जाता है। व्रत रखने वाले माता के भक्त कलश स्थापना के साथ व्रत का संकल्प लेते हैं और 9 दिन सुबह शाम माता की आराधना और आरती करते हैं। अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन करते हैं और फिर पारण कर व्रत पूर्ण करते हैं। गुप्त नवरात्र के समय तांत्रिक 9 दिन तक 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। इन 10 महाविद्याओं में तारा देवी, मां काली, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी माता, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, मां धुम्रावती माता, बंगलामुखी मातंगी और कमला देवी हैं। यह नवरात्र तंत्र साधना के लिए उत्तम है। इन 9 दिनों में देवी कामख्या की भी पूजा की जाती है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।